अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जब भी आपको कोई दोस्त आपके फ़ोन पर आपको कॉल करेगा, रिंगटोन के साथ साथ उसका नाम भी पुकारा जाएगा। एक तो ये है कि जब आपके मोबाइल पॉकेट में होगा तो पता चल जाएगा कि आपको कौन फ़ोन कर रहा है। दूसरा एक नया टच बन जाता है और दूसरा एक अच्छा भी लगता है कि रिंगटोन के साथ साथ उसका नेम भी पुकारा जा रहा हो कि फलां आदमी आपको कॉल कर रहा है। तो ये आप अपने मोबाइल में एक सेटिंग को ऑन करके ये अनेबल कर सकते हो, ये ऐसा कर सकते हो। आपको मैं कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐप के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि वो डाउनलोड करो, वो इंस्टॉल करो, उसके बाद ये सेटिंग करो, उसके बाद आपका ये फंक्शन ऑन हो जाएगा। नहीं, आपने जस्ट अपने मोबाइल में एक सेटिंग को ऑन कर लेना है, उसके बाद जब भी कोई दोस्त आपको कॉल करेगा तो आपके रिंगटोन के साथ साथ उसका नाम भी पुकारा जाएगा। तो यह है ना कमाल की बात। ये सेटिंग को कैसे ऑन करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ। ये सेटिंग हर मोबाइल में मौजूद हैं, तो ये दो सेटिंग में से कोई ना कोई एक सेटिंग तो लाजमी आपके मोबाइल में मौजूद होगी, इसलिए मैं आपको दो सेटिंग बता देता हूँ। आपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है और ऊपर सर्च बार में लिखना है कॉल सेटिंग। कॉल सेटिंग सर्च करने के बाद यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और अदर कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। अदर कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यूं ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो में आपने रीड कॉलर नेम अलाउड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। कुछ मोबाइल में कॉलर अनाउंसमेंट के नाम से भी ऑप्शन होता है। अगर आपके मोबाइल में कॉलर अनाउंसमेंट के नाम से ऑप्शन है तो उसको आपने अनेबल कर लेना है। अब मैं आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। इसके लिए आपने डायलर को ओपन कर लेना है, थ्री लाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपके पास थ्री डॉट्स भी हो सकती हैं, थ्री लाइन भी हो सकती हैं, जो भी हैं इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इस टूगल को आपने ऑन कर लेना है। इसके बाद जब भी कोई दोस्त आपको फोन करेगा, अगर उसका नाम आपने सेव किया हुआ है, तो अब जब भी कॉल आएगी रिंगटोन के साथ साथ उस आदमी का नाम भी पुकारा जाएगा। यह है ना कमाल का फीचर। आप भी इस फीचर को अनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब बातों की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें।